जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, हमारा आत्मा प्राण शरीर को उनको सौंप दिए हैं, बपतिस्मा लेके सारा दुनिया को बता दिए कि हम आज से प्रभु यीशु मसीह का है, तो हमारा और शैतान का शक्ति, शैतान का राजत्व, शैतान का अधिकार और वही विश्वासी का ऊपर, विश्वासिनी का ऊपर और नहीं रहेगा। यही वचन आज हमको यही कहता है। सबों को जय मसीह की। प्रभु का महानाम को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन जो कि सारा विश्व हमारा उद्धारकर्ता का आगमन का आनंद मना रहा है, और जो कि दिसंबर 25th, बाइबल में कोई उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन तभी सारा विश्व प्रभु यीशु मसीह का ये जगत को आने का आनंद मना रहा है। इसीलिए हम भी आज इकट्ठा हुए हैं, और ऐसा जो परिवेश हमारा, हमको अलग अलग अपना अपना घर में रखा है, तब भी हमारा मन एक है, प्रभु यीशु मसीह में केंद्रीभूत है। इसीलिए आज हम कहीं भी होने से भी हम आज ये जो वचन सुनेंगे और सही रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का क्या वजह है, हमारा बाइबल क्या कहता है, हम वचन से कुछ वचन देखेंगे, ताकि हम जब तक ये जगत में हम जीवित रहते हैं, हम प्रभु का उचित सेवा कर सकेंगे। आइए हम प्रभु का कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल, पढ़े जो उसको रोज मरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल, द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल, द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल। इफ यू रीड इट एवरी डे, इट विल हेल्प यू ऑल द वे। ओ द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल। और एक तो कोरस गाएंगे। एवरी प्रॉमिस इन द बाइबल इज माइन, every chapter, every verse, every line, all are blessings of his love divine. Every promise in the Bible is mine. Repeat. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, all are blessings of his love divine. Every promise in the Bible is mine. I am बचन में जाएंगे और लुका लिखित सुसमाचार का 2:10-11। मेरे बहू ने मेरे साथ है और वो पढ़ेंगे। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उसका साथ हम देखेंगे और एक तो वचन, पहला जोन 1:1-4। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं,
और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ये पठित वचन में आशीष दे, आइए प्रभु का शरणापन्न होए ताकि प्रभु हमको आशीष देंगे, हम ये वचन को समझ सकेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान हमारा स्वर्गीय पिता, अति नम्रता के साथ आपके चरण की चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम वचन में अभी जाएंगे। ये जो वचन प्रभु हम पढ़े हैं प्रभु, उसको आशीष दीजिए, हमारा हृदय का प्रभु आप हृदय को खोलिए ताकि हम आपका वचन समझ सके। प्रभु मैं खुद को क्रूस का पीछे में प्रभु हमें छुपाता हूँ। हाँ प्रभु मुझे छुपा के प्रभु आप ही प्रकाश होइए। हाँ प्रभु वचन का प्रकाश मैं क्या बोल सकता हूँ अगर आप नहीं बताएंगे, इसलिए प्रभु मैं खुद को आपके चरणों की नीचे रखता हूँ। प्रभु आप तोड़िए और हम मेरे मुंह से प्रकाश करिए, मुझे छुपा के आप ही प्रकाश होइए। हाँ प्रभु ये वचन जो कि प्रभु द्विधार खड्ग जैसा है, हाँ प्रभु हमको काट छाट के प्रभु नत नम्र करता है। इसलिए प्रभु जब हम वचन को समझते हैं जो कि आत्मा हमको समझाते हैं, तब जाके प्रभु हम ये वचन का अनुसार हम नत नम्र होके प्रभु विश्वास से हम और भी हाँ प्रभु बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु खुद को और जब जो भाई बहन लोगों सुनते हैं सबको प्रभु मैं आपके चरणों के नीचे सब सौंपता हूँ पिता। आपका इच्छा का अनुसार प्रभु सब वचन सब सुन सके, उसको हृदय में रख सके और उसका अनुसार चल सके। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए बोल के निवेदन करता हूँ। हर विषय को आपका चरण के नीचे रखते हुए ये छोटे से निवेदन प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमेन। ये दो हम जो वर्ष हम पढ़े, ये दो वर्ष में आनंद का वचन हम देख रहे हैं। ये दो वर्ष में पहले हम देखे कि बड़े आनंद का सुसमाचार लिखा होता है, बड़े आनंद का सुसमाचार लुका में देखते हैं और पहला जोन में देखते हैं, चार में देखते हैं हमारा आनंद जैसा पूर्ण होना है। इसीलिए योहन्ना ने लिखते हैं, इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूं। हमारा प्रभु ये जगत में जब आए वो बोले कि मैं जीवन हूं, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं और बहुताई का जीवन देने आया हूं। प्रिय भाइयों बहनों, वही प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये जगत में हमको आनंद देने के लिए आया था। खाली आनंद देने से गलत हो जाएगा, वो हिंदी में लिखा है बड़े आनंद। प्रभु यीशु मसीह का ये जगत को आने का वो बड़े आनंद होता है। खाली हिंदी में बड़े आनंद लिखा है, उड़िया में लिखा है अत्यंत आनंद, अत्यंत मने एकदम टॉप, और इंग्लिश में लिखा है किंग जेम्स वर्सन में लिखा है ग्रेट जॉय। हाँ प्रिय भाइयों, वचन हमको यही कहता है प्रभु यीशु मसीह का ये जगत को आने का हम सबों के लिए ये जगतवासी के लिए आनंद का विषय है, बड़ा आनंद का विषय है। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पा जाते हैं तो वही आनंद हमारे हृदय को आ जाता है। और प्रभु हमको यही कहते हैं, उसका 10 में लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो दूत लिखा हुआ है, दूतों ने बोले, दूत डायरेक्ट स्वर्ग से आए। जो गडेरिये जो थे, चरवाहों जो थे,
उनका पास डायरेक्ट आए स्वर्ग से, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म दूतों का द्वारा स्वर्ग से वो वचन आता है। प्रभु यीशु मसीह का आने का महा आनंद हम यहां देखते हैं, और वही आनंद का सुसमाचार एकदम डायरेक्ट स्वर्ग से आ रहा है। हम यहां देख रहे हैं वो वचन ही स्वर्गीय है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन ही स्वर्गीय है। और सेकंड में हम देखते हैं यही आनंद जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजा गया, क्योंकि वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का जो कारण है वो पहला है उनको भेजा गया। बाइबल में बार बार जगह लिखा है प्रभु यीशु मसीह को ये जगत को भेजा गया, वो खुद मुंह में बोले हैं मुझे भेजा गया। यहां पर सेकंड कारण है, जब हम पाप में रह के, जब हम हताश हो के थे, कोई उपाय नहीं था हमारे लिए, उधार पाने का कोई उपाय नहीं था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए। और तीसरा कारण है प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए हमारा पाप को, पाप के लिए प्रायश्चित साधन करने के लिए, हमारे लिए। हम सब जानते हैं क्रूस में उनका बहुमूल्य निष्पाप निष्कलंक लहू को बहा दिए, हम सब जानते हैं वो प्रायश्चित साधन हमारे लिए किए। ये आनंद स्वर्ग से भेजा गया है जो कि ऐश्वर्य है, गॉडली है, सब जन समाज के लिए, पूरा सारा पृथ्वी के लिए। इसीलिए जगत को ऐसा प्रेम किया ऐसा लिखा है। वही आनंद हर मनुष्य के लिए, कोई एक झुंड के लिए नहीं है, कोई एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है यह आनंद। क्योंकि वचन कहता कि प्रभु पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किए, अपना एकलौता बेटा को ये जगत को भेजे। प्रिय भाइयों बहनों, ये बाइबल का बात को कोई चीज काट नहीं सकता। वो था सत्य, वो है सत्य, वो रहेगा सत्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत को आके बोले मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और मैं ही जीवन हूं। और आपका पहला जॉन एक का पांच में आप देखेंगे, पहला जॉन एक का पांच में लिखा है कि जो मसीह को पाया है, जो पुत्र को पाया है, वो जीवन पाया है। हाँ प्रिय भाइयों, वही जीवन हमारा, हम अगर पा जाते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। इसलिए वही सत्य, उसको कोई काट नहीं सकता, वो बदला नहीं जा सकता। प्रिय भाइयों, वो बदल नहीं सकता। इसलिए ये सबके लिए है, जितना भाषावादी लोग हैं यहां सबके लिए है, जितना उम्र का भी आदमी यहां पर है, छोटे बड़े सबके लिए है, धनी गरीब सबके लिए है, शिक्षित अशिक्षित सबके लिए है, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ सबके लिए है, ऊंचा नीचा सबके लिए है, काला गोरा सबके लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, ये आनंद हमारा सबके लिए प्रभु यीशु मसीह का, ये जो जन्मदिन हम मानते मनाते हैं, ओ आनंद का कारण है, वचन कहता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम सब उसको हम महसूस कर सकते हैं, वो आनंद प्रभु का दिया हुआ आनंद अनंतकालीन है, अनंत काल के लिए है, वो कुछ समय के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए है। आइए नीमिया का पत्र 8:10 देखेंगे। फिर उसने उनसे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ हाँ? उसके पास भोजन सामग्री भेजो हाँ? क्योंकि आज का दिन हुँ? प्रभु के लिए पवित्र है हाँ? और उदास मत रहो हुँ? क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है हाँ? दृढ़गढ़। अरे यहाँ क्या लिखा है, लास्ट लाइन क्या लिखा है, यहोवा का आनंद दुर्गढ़ है। उड़िया में लिखा है यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए बल है, उड़िया में लिखा है बल है, और इंग्लिश में लिखा है ग्रेट स्ट्रेंथ। इसीलिए प्रिय भाइयों हम देखते हैं यहां पर, तो जब एक पापी
जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका पाप प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो के साफ हो जाता है और क्षमा पाता है, वो एक विशेष एक तो बड़ा जैसा वचन में लिखा है, वो एक तो स्वर्गीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, स्वर्गीय आनंद वो पा जाता है और वो स्वर्गीय आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इतना याद रखिएगा प्रिय भाइयों बहनों, जिसमें जान है उसका बढ़ोतर होता है, वो बढ़ता है, उसका वृद्धि होता है। जिसका जान नहीं है, जो मृत्यु है, जो डेड है, उसका बढ़ोतरी नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। और हम यहां देखते हैं जो प्रभु का आनंद जो एक पापी जब पा जाता है, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में पा जाता है, वही वो जो बड़ा आनंद दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है। वही विशेष स्वर्गीय आनंद जो वो ग्रहण करता है, वो मल्टीप्लाई होता है, इंग्लिश में लिखा है वो मल्टीप्लाई होता है, वो बहुगुणित होता है। कब होता है बहुगुणित? जब वही प्रभु यीशु मसीह को वो जब अपना जीवन में खाली बपतिस्मा ले जाने से कुछ नहीं है, जब बपतिस्मा लेके जो टेस्टिमनी दे देते हैं, उसके बाद वही जो आनंद प्रभु यीशु मसीह को अंदर हृदय में वो स्थान दिया है, प्रभु यीशु मसीह जब हृदय को आ गए हैं, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह का गौरव के लिए, उनको महिमा देने के लिए वो प्रभु का संतोष का कारण वो बनेगा, प्रभु को हर जगह पर प्रभु को गौरव देगा, वही आनंद को प्रकाश करेगा। जो आनंद वो पाया है वो छुपा नहीं सकता, उजाला को छुपा नहीं सकते। प्रभु बोले आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु यीशु मसीह बोले आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। लाइट को कोई छुपा नहीं सकता प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह बोले मैं लाइट हूं, जाओ सबको बताओ आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। अगर तुम वही ज्योति को पा चुके हो, तुमको छुपाना नहीं है, घर में बैठना नहीं है, जाओ सारा संसार में मेरा वचन को प्रचार करो। प्रिय भाइयों क्या बात है, क्या आनंद का विषय है। वचन यही कहता है, वही आनंद को अगर हम प्रभु का संतुष्टि का कारण होंगे, प्रभु का संतोष के लिए हम व्यवहार करेंगे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अगर हम रियली हम प्रभु को पाए हैं, आनंद को छुपा नहीं सकते, वही लाइट को हम छुपा नहीं सकते। जब एक आदमी जब आनंद को ग्रहण कर लेता है, उसका दिन प्रतिदिन उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका अभिज्ञता बढ़ता है, डेली बढ़ता है। ये जो हम ये 10 जो पढ़े, 8-10 जो पढ़े, और उसमें लिखा है, इसके बीच में लिखा है, जो उसको दो जिसका पास नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे, जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हाँ, ये जो लिखा है जिसका नहीं है, जिसके लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसको दो, क्योंकि आज ये पवित्र प्रभु के पवित्र प्रभु के उद्देश्य में ये पवित्र हुआ है। जो दुखी है, जो दरिद्र है, वो जो उसका जिसका नहीं है उसको दो, क्योंकि ये प्रभु का आनंद का टाइम है ये, क्योंकि लास्ट में लिखा है प्रभु का विषय जो आनंद है वो हमारा बल है, वो हमारा स्ट्रेंथ है। जाओ जिसका नहीं है उसको दो। तुम जो पाए हो, जो आनंद पाए हो, जो जिसका नहीं है उसको बांटो, उसको दो, क्योंकि लेने से देना धन्य है, लिखा है प्रेरितों का पत्री 20:35 में लिखा है, प्रेरितों का पत्री 20:35 में लिखा है, लेने से देना धन्य है, अच्छा है। आप धन्य बन जाओगे, ये दुनिया देना सीखा नहीं है, लेना सीखा है, क्योंकि यह कब लेना ही शुभ है, देना है तो नुकसान है। नहीं प्रिय भाइयों,
प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। हम जो सत्य जानते हैं, हम जो जो ज्योति को हम पाए हैं उसको दूसरों को देना है। जो वचन पाए हैं, जो सुसमाचार से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है, दूसरों को देना है। प्रिय भाइयों, वचन यहां पर यही बोल रहा है कि जो जिसका अंश नहीं है, जिसके पास नहीं है, उनको दो। इसको हम अन्य वचन में अगर हम देखेंगे, स्वर्गीय आनंद जहां जहां जो कि एक उधार प्राप्त व्यक्ति को मिला है, वो अन्य आदमी को हम दे सकते हैं। हम कैसा उधार पाए हैं, दूसरों को हम गवाही दे सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है जिसका नहीं है उसको दो, क्योंकि प्रभु का विषय यह आनंद का विषय है। ये जो आनंद का दिन आज है, हम दुनिया लोगों को बताना है। हम ये दिन में हम लोग प्रचार में जाते हैं, ओपन एयर प्रीचिंग में जाते हैं, जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन हम कोई मंडली में जाते नहीं, कोई उपासना करने नहीं जाते हैं। हम बाहर घूमते हैं, चौराई में जाते हैं, प्रभु का वचन सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम तो हरदम करते रहते हैं, लेकिन ये विशेष दिन में, ये आनंद का दिन में, आनंद दूसरों का पास में हम पहुंचाते हैं। ये जगत का बहुत सारे लोग जानते नहीं प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। गुड फ्राइडे में छुट्टी होता है, घर में आनंद मनाते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन जानते नहीं गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। हम लोगों को वही तजुर्बा है, हम जाके जब बाहर में पूछते हैं, कोई जानता नहीं, मैक्सिमम आदमी जानते नहीं। तो हम ये दुनिया में जिंदा है, ये क्या हमारा जीवन है? स्वर्गीय आनंद जो एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति ही जानता है। प्रिय भाइयों, जो उद्धार पाया है, जो चखा है प्रभु यीशु मसीह को, वो ही जानता है, वो ही दूसरों को दे सकता है। हम जब देखते हैं वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बोले, जो मुझे नहीं जानता है वो पिता को नहीं जानता है। जो पिता के स्वर्ग में है, जो आत्मा है, वचन बाइबल कहता है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो आत्मा है, वो स्वर्ग में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे मुझे विश्वास करने से ही तुम स्वर्ग जाओगे। ये जगत को जितना आए हैं कोई नहीं बोला है, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं मिला है। दूसरों को पाप से मुक्ति देने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, इसीलिए कोई नहीं बोल सकता। ओनली प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं, और आज वो स्वर्ग में है। वो बोले हैं, तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित साधन करूंगा, और तीन दिन में उठूंगा। प्रिय भाइयों, वो तीन दिन में उठे, 40 दिन ये जगत में रहे, चेलों के लोगों के साथ मिले, सबसे मिले, सबके साथ खाए पिए, घूमे, सब कुछ किए 40 दिन। उसके बाद 40 दिन में वो स्वर्ग को चले गए, सबका सामने में स्वर्ग को चले गए, सब देखते रह गए। एक मेघ आके उनको ले गया, दूतों ने आके बोले कि तुम जैसा देख रहे हो वो गए, फिर वैसे ही वो आएंगे। प्रिय भाइयों, हम आज जो आज जिस हम सबों का जितना जिसका जितना उम्र है उतना बड़ा दिन मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये वचन जो जानता है उसका जीवन में वो सही आनंद मिलेगा। वो बड़ा दिन का आनंद उसी को ही मालूम है, और वो प्रभु का इच्छा के अनुसार चारों तरफ जाके प्रभु का वचन को देगा, छुपा के रखेगा नहीं। जो परमेश्वर का आनंद जो उसको मिलता है, वो पाप और प्रलोभन से वो विजयी होता है। जब वो जो विजयी होता है, वो हर चीज अपना जीवन में, अपना जो मनुष्य एक आत्मा और प्राण और शरीर से जो बना है, वो हर विषय में, हर विषय को वो प्रभु का चरणों के नीचे वो समर्पित करता है। तब जाके वो प्रभु जा उनका जो सब कुछ है प्रभु ग्रहण करते हैं। लूका 2:8 में देख रहे थे, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, जो झुंड का पहरा देते थे, और उस टाइम प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ,
बड़े अनंत का सुसमाचार, वही आनंद जिसको मिला है ये जगत में, वो किसी को भय नहीं करेगा, वो हरदम आनंदित होके रहेगा। हाँ प्रिय भाइयों, वो आनंद के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए थे। जगत कम दिन के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ दिन के लिए आनंद देता है, लेकिन प्रभु का जो आनंद जिसका हृदय में आ जाता है, वो जगत का कोई भी चीज उसको हटा नहीं सकता। हाँ प्रिय भाइयों, जो पाया है वो जानता है, और दिन प्रतिदिन उसका एक्सपीरियंस वो बढ़ते रहेगा। हाँ प्रिय भाइयों, यहां हम देखते हैं मत्ती का दो का ग्यारह में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ हम एक चीज देखते हैं, जो ओ ज्योतिषी लोगों, जो कि उड़िया में पंडित लिखा है और इंग्लिश में वाइज मैन लिखा है, वो लोगों आके प्रभु यीशु मसीह को पहले क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो उपासना करने के लिए आए थे, बलिदान चढ़ाने के लिए आए थे। याद रखिएगा, चरवाहे जब आके प्रभु यीशु मसीह को देखे थे, और उन लोगों कोई कोई थैला नहीं लिए थे, कोई थैला में कोई चीज उनको देने के लिए नहीं लिए थे जो चरवाहे थे, लेकिन जो ज्योतिषी लोगों थे वो लोगों ये तीन चीज लेके गए थे। तो जो चरवाहे लोगों गए थे, कोई उनको कुछ दर्शनी उनको नहीं चढ़ाए थे, उनको पंडित नहीं बोला गया। ये वचन को थोड़ा ध्यान दे के सुनिए, उसको उन लोगों को पंडित नहीं बोला गया था, उनको ज्योतिषी नहीं बोला गया था, उनको वाइज मैन नहीं बोला गया था, लेकिन जो लोगों उनको आके प्रणाम किए पहले और अपना अपना थैली खोल के उनको दर्शनी उत्सर्ग किए, उनको पंडित बोला गया, उनको ज्योतिषी बोला गया, उनको वाइज मैन बोला गया। प्रिय भाइयों, आज हम वैसे ही आशीष पाने के लिए प्रभु का पास हम चरवाहों जैसा हम आते हैं। हाँ प्रिय भाइयों, प्रभु का पास हम अभी सब चर्च बंद है, लेकिन हम लोग उन घर में उपासना करते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम चर्च जाते थे, हर अनेक आदमी वैसे ही चरवाहों का जैसा प्रभु का पास जाते हैं, लेकिन उनको पंडित नहीं बोला जाता है, उनको वाई ओ ज्ञानी नहीं है। लेकिन जो लोगों अपना भंडार से प्रभु का निकट जाके उनको प्रणाम करते हैं और अपना थैला खोल के उनको भेंट चढ़ाते हैं, उन्हीं को पंडित बोला जाता है, उन्हीं को वाइज मैन बोला जाता है, ज्ञानी बोला जाता है। प्रिय भाइयों, इसीलिए हमारा जीवन क्या है, हम प्रभु के लिए हम क्या भेंट चढ़ाते हैं। लुका का 12 का 20 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ओ धनी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। उड़िया में लिखा है निर्बोध मनुष्य, थोड़ा पढ़ेंगे हम लोगों लुका का 12 का 20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, मूर्ख बोला जाता है जो अपने आप को गर्व दिखाता है, गर्वी दिखाता है, क्योंकि वो बोलता था इतना मेरा संपत्ति है, आनंद करो, अपना प्राण को बोलता था। प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा आज तुम्हारा शरीर से तुम्हारा प्राण को ले लिया जाएगा आज रात। उसको मूर्ख बोला जाता है। प्रिय भाइयों, हमारा जीवन क्या है, ऐसे ही हम भी बोल कहते हैं, ये जो संसार में हम दुनियादारी में रह के हम भी ऐसे कहते हैं, प्रभु हमको भी मूर्ख कहते हैं। हाँ प्रिय भाइयों, हम देखते हैं जो प्रभु का जो दृष्टि में जो ज्ञानी है, जो ज्योतिषी है, जो पंडित है, वो लोग क्या लाते हैं, सोना लाते हैं,
लोबान लाते हैं और गंधरस लाते हैं और उत्सर्ग करते हैं। इसीलिए ये तीन चीज हमको यही कहता है कि हम आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा और प्राण और शरीर प्रभु का चरणों के नीचे हम अर्पण करेंगे। हाँ प्रिय भाइयों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आनंद का विषय है, ग्रेट जॉय, बड़ा आनंद का विषय। जब हम वो पा जाते हैं, हम तीनों चीज को प्रभु का चरणों के नीचे समर्पण करते हैं। सुसमाचार हम लोगों के लिए बड़ा दिन, हम लोगों के लिए एक उद्धार का दिन है। याद रखिएगा प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जो पा जाता है वो उसका उसी दिन वो उद्धार का दिन है। बॉर्न अगेन उसी दिन वो होता है, हम उसी दिन प्रभु को पहचानता है और आत्मा, प्राण और शरीर उनको सौंपता है। हमारा जो प्रभु को पाया है, प्रभु का जीवन जो बिताता है, वो उसका जीवन में उसी का एक्सपीरियंस है, वो अभिज्ञता में ही जिंदा है वो। इसी यहां पर हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि प्रिय भाइयों, सोना, लोबान और गंधरस, जब उलोकन हेरोद का साथ बात करके जब प्रभु यीशु मसीह को देखे और जब वापस आने का उनका पास से जब वापस आने का टाइम आया, वो लोगों ने क्या उनको दिए? सोना। सोना राजा को ठहराता है। बाइबल में सोना बाइबल को ठहर, जहां पर भी सोना का वर्ड आता है वो राजा को कहलाता है, राजा। जो लोबान होता है वो प्रभु यीशु मसीह को याजक ठहराता है, और जो गंधरस है प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता, भाववादी ठहराता है, भविष्यवक्ता ठहराता है। प्रिय भाइयों, सोना, ये तीनों चीज प्रभु यीशु मसीह को वो भेंट चढ़ाए। भेंट चढ़ाने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को जो सोना चढ़ाए राजा बोल के स्वीकार किए, जो लोबांस उनको भेंट चढ़ाए तो उनको याजक करके स्वीकार किए, और जब गंधरस उनको भेंट चढ़ाए तो प्रभु यीशु मसीह को भविष्य वक्ता बोल के वो स्वीकार, यहां हम देखते हैं। ये तीन चीज बाइबल में, राजा, याजक और भविष्य वक्ता, जब ये लोगों ने ये तीन चीज को जब भेंट चढ़ा दिए तो वो स्वीकार कर दिए कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए राजा है। तो जब हेरोद जो बोला था तो उनके लिए हेरोद और राजा नहीं ठहराया, राजा का बात और मानना जरूरत नहीं है। जो हेरोद बोला था जाने का टाइम मुझे बोल के जाना, वो सबको भूल गए, क्योंकि जब प्रभु राजा एक होता है प्रिय भाइयों, सेकंड राजा नहीं होता है, एक राजा होता है। जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा ठहरा दिए और वापस आने का टाइम हेरोद को बोल के जाना और जरूरत नहीं है, प्रभु ने बोले कि तुम अलग रास्ता से तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। जब तुम मुझे राजा ठहराए हो, याजक ठहराए हो, भविष्य वक्ता ठहराए हो, तुम आज जरूरत नहीं है। हम यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब आए, वो लोग प्रणाम किए, उसका मतलब है आत्मा, प्राण, शरीर को उनका चरणों के नीचे वो समर्पित कर दिए, और उनको राजा, याजक और भविष्य वक्ता जैसा उनको स्वीकार किए, अपना तीन चीज को उनका चरणों के नीचे सौंप दिए, जब प्रणाम किए। प्रणाम एक ऐसा एक सम्मान है, इसीलिए मनुष्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो सबसे ऊंचा सम्मान है। इसीलिए सर ऊंचा सम्मान प्रभु पाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करते में है घुटने में आते हैं, मस्तक को नतमस्तक करते हैं, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम, उसको प्रणाम बोला जाता है। ओनली प्रभु का प्रणाम पाने का योग्य है, मनुष्य नहीं। ये लोग जब उनको स्वीकार कर दिए तो हेरोद जो कि शैतान, उसका ऊपर में उसके उनका ऊपर और कोई अधिकार नहीं रहा। जब पहले आए थे राजा बोला था बोल के जाना, वो लोग मानना था, लेकिन जब वहां के जब
प्रभु यीशु मसीह को राजा ठहरा दिए, उनको स्वीकार कर दिए और उनका सामने में और कोई राजा नहीं है। तो शैतान को बोल के जाना कोई जरूरत नहीं है। प्रभु को हम जब ग्रहण कर लेते हैं, शैतान का शक्ति हमारा जीवन से अलग हो जाता है। पंडित जब प्रभु यीशु मसीह को राजा, याजक और भविष्यवक्ता स्वीकार कर दिए और शैतान हेरोद का पास जाना और जरूरत नहीं है, यही वचन हमको यही कहलाता है। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, हमारा आत्मा प्राण शरीर को उनको सौंप दिए हैं, बाप्तिस्मा लेके सारा दुनिया को बता दिए कि हम आज से प्रभु यीशु मसीह का है, तो हमारा और शैतान का शक्ति, शैतान का राजत्व, शैतान का अधिकार और वही विश्वासी का ऊपर, विश्वासिनी का ऊपर और नहीं रहेगा। यही वचन आज हमको यही कहता है। जो हम जो सब कुछ दे के प्रभु का उपासना करते हैं, उनको पंडित कहलाया जाता है। प्रभु का दृष्टि में वो वाइज मैन है, वो ज्ञानी है। इसलिए हमारा जीवन क्या है, हम देखिए प्रियो भाइयों, खुद को हम जांचे। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं हमारा नमूना है और एक सामर्थी हमारा परमेश्वर है, नमूना है। उनका दिन हम प्राप्त करने का द्वारा ही हम सेवा करना सीखते हैं। खुद को नम्र करके ही हमारा हर सेवा होना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह वही दिखाए हैं। यही दीनता मनुष्य का कोशिश से वो दीनता कभी नहीं आएगा। प्रिय भाइयों, प्रभु का आत्मा पाने से ही अगर हम खुद कोशिश करेंगे, कभी सफल नहीं हो सकेंगे, अभी फिर घमंड आ जाएगा। लेकिन प्रभु का आत्मा का अधीन में रह के अगर हम जीवन बिताते हैं, तब जाके वो आनंद सदा काल के लिए हमारा पास रहेगा। वैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक होके कार्य करने के लिए हमको इच्छा रखना पड़ेगा। उनका दीनता को अपना जीवन में रख के हम उनका साथ काम करने के लिए हमारा इच्छा रहना चाहिए। हाँ, हम नम्र स्वभाव को हम उनका जरिए से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर जबरदस्ती अपना इच्छा से करेंगे, वो अनंत काल के लिए हमको नहीं मिल सकता है। उनका अनुग्रह से हम सब कुछ ये जगत में हम प्राप्त कर सकते हैं। हम मनुष्य के लिए एक रात में वो दिन तक को पा नहीं जाता है, नम्रता को पा नहीं जाता है, साल साल निकल जाता है। कोई कष्ट बिना प्रभु का सेवा नहीं हो सकता, कोई मूल्य देने का बिना, कोई बलिदान हमको प्रभु का दृष्टि में वो ग्रहण नहीं होगा। इतना याद रखिएगा। इसलिए हमको सही तरह से हमको नम्र होना है। प्रभु का जीवन हमारा जीवन में दिखाई देना चाहिए, तब जाके हमको प्रभु उनका रास्ता में हमको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो प्रभु हमको उठाते हैं और उनका सामर्थ हमारा द्वारा वो प्रकट करते हैं। पहले एक नंबर में हम देखें प्रभु का स्वर्गीय आनंद हम पाएंगे। प्रभु को पाएंगे, प्रभु को हर चीज, आत्मा प्राण और शरीर जब हम सौंप देते हैं, प्रभु का वो आनंद, वो बड़ा आनंद वो हमारा दिल में आता है। पहला हम देखें स्वर्गीय आनंद जो कि अनंत काल के लिए है। अगर हम उनको लेके हमारा जीवन में जब मन परिवर्तन होने के बाद जब हमारा जीवन को प्रभु का गौरव के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं, वो आनंद मल्टीप्लाई होता है हमारा हृदय में, वो बढ़ते जाता है। प्रिय भाइयों, और हम सब कुछ देके प्रभु का उपासना हम कर सकते हैं। आत्मा प्राण और शरीर सब देके हम प्रभु का उपासना हम कर सकते हैं। ये दूसरा में देखे, पहले देखे हम स्वर्गीय आनंद पाते हैं, दूसरे में हम देखे जब पाते हैं तब हम सब कुछ देके प्रभु का सेवा करते हैं, तीसरा हम देखते हैं उनका हम स्वभाव को हम जब अपना लेते हैं, प्रभु का स्वभाव को जब हम अपना लेते हैं, वो अपना को खुद कितना नम्र किए, कितना दीन किए, हम जब उसको हम अपना लेते हैं, वो हमारा स्वामी हो जाते हैं, हम उनका कन्या हो जाते हैं। प्रिय भाइयों, अभी प्रभु दूसरा सेकंड टाइम भी अभी आ रहे हैं, तो प्रभु का प्रभु खुद बोल के ये यहां से गए हैं। हाँ प्रभु, प्रिय भाइयों, हमको हम उनका कन्या का न्याय हमको यहां पर प्रस्तुत होना है। प्रभु
हमारा दुल्हा हो के आएंगे, हम यहाँ दुल्हन हो के हम सज के रहेंगे, हर धार्मिकता का वस्त्र पहन के हम यहाँ रहेंगे। ये आखिरी समय में ये जन्मदिन जो हम मानते हैं उसका वो तो मानते हैं, ठीक है, वो आनंद ऐसे ही आनंद है, प्रभु को पाने का अंदर का आनंद, वो आनंद बाहर ये सब रीति नीति मान के वो सब नहीं, प्रभु का आनंद अंदर का आनंद का बात कर रहे हैं। उनका वही पहला आगमन तो हो चुका है, वो शिशु बच्चा होके आए थे, और लेकिन अभी वही अभी जो हम जो परिस्थिति में है, जो एक वायरस ने हमको तंग कर दिया है, हमको इतना भयभीत कर दिया है, हम घर से निकल नहीं सकते हैं सारा संसार को, तो हमको अभी वही अभी का जो समय है, ये समय में हम ये पुराना आनंद को कंटिन्यू करना नहीं है, अभी खुद को जांचना है, वही आनंद हम पाए क्या, वही आनंद क्या हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, खुद को जांचना है। और यहां देखना है प्रिय भाइयों, प्रभु का द्वितीय आगमन के लिए प्रभु अभी आ रहे हैं, हम उनके लिए क्या कैसा हम इंतजार किए हैं। हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं प्रभु यीशु आएंगे, इसका भविष्यवाणी ये जगत को दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो सत्य था, हम जानते हैं इतिहास कहता है प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए थे, और प्रभु यीशु मसीह आके ये संसार का इतिहास को दो भाग में वो विभक्त कर दिए, एडी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ये जगत को आना दो भाग में विभक्त कर दिया, ये इतिहास को, ये पृथ्वी का इतिहास को सारा संसार मानता है, ख्रिस्ट पूर्व और ख्रिस्ताब्द ये सब मानता है। ये चीज जब प्रभु आए थे इतिहास ने बोलता है, बाइबल में भी लिखा है, वो पहले ओल्ड टेस्टामेंट में वो उसका भविष्यवाणी दिया गया था, ईशा का पुस्तक 7:14 में हम देखते हैं वो वहां पर भविष्यवाणी दिया गया था, और मीका का भी 5:2 में भी देखते हैं भविष्यवाणी दिया गया था, भजन संहिता 22 में हम देखते हैं भविष्यवाणी दिया गया था प्रभु यीशु मसीह जगत को आएंगे, फिर ईशा का पुस्तक में 53 चैप्टर में हम भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग का भविष्यवाणी दिया गया है। प्रिय भाइयों, जो पहले दिया गया था वो सफल हुआ, प्रभु यीशु मसीह आए, 33.5 साल यहां जीवन बिताए, और प्रेरितों का काम में हम देखते हैं 1:10-11 में देखते हैं, और जॉन योहन्ना का पुस्तक 14:13 में हम देखते हैं, और लुका का पुस्तक 12:22 में हम देखते हैं, लुका का 17:22-37 हम पढ़ने से हम देखते हैं, जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में जैसा सत्य हुआ, जो भविष्यत वाक्य सत्य हुआ, प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए हैं, आज का दिन मनाया जाता है, वो आए थे बोल के प्रूफ कर रहा था, सारा संसार मानता है, कोई एक देश दो देश नहीं, सारा संसार, ये जगत में 196 देश है, सब मानता है। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में जो भविष्य वचन दिया था गया था वो जो सत्य जैसा हुआ, अभी नया न्यू टेस्टामेंट में वो जरूर सत्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए थे, वो खुद बोल के गए हैं मैं फिर और एक बार आऊंगा, जो ऊपर चले गए हैं, जो दूतों जो लोग सब देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ऊपर चले गए हैं, दूतों ने आके उन लोगों को बोले तुम जैसे देखे हो वैसे आएंगे। इतना याद रखिएगा प्रिय भाइयों बहनों, अभी जो आ रहे हैं प्रभु, हम कितना उनको पहचानते हैं, आज का जो मंडली है, आज का जो कलेसिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानता नहीं है, जैसा उस दिन 11 चेलों ने पहचानते नहीं थे, 12 उनका पीछे पीछे जाते थे, उनका आश्चर्य कर्म देखते थे, उनका साथ खाते थे पीते थे उड़ते थे बढ़ते थे चलते थे मीटिंग अटेंड करते थे,
लेकिन पहचानते नहीं थे। 11 शिष्यों ने पहचानते नहीं थे प्रिय भाइयों, लेकिन पत्रस ने उनको बोला है आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। एक बोले थे मुझे मैं कौन हूं, जब पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न पूछे थे, एक बोले थे पत्रस ने बोले थे आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर हम पत्रस का अनुभव को हम देखते हैं। क्या अनुभव था उनका, वो पहचानते थे। याद रखिएगा, हम जब सुसमाचार से जब हमारा मन परिवर्तन हुआ है, प्रभु को हम पाए हैं, इतना याद रखिएगा। सुसमाचार में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम एक है, लेकिन हर मनुष्य का एक उनको जानने का, उनको प्रकाश करने का विषय, एक एक उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे मत्ती उनको राजा कहके ठहराते हैं, मार्क जैसा उनको सेवक करके उनको प्रकाश किए हैं, लुक जैसा एक सिद्ध पुरुष परफेक्ट मैन कहके प्रकाश किए हैं, और यूहन्ना ने उनको एक हेवेनली पर्सन स्वर्गीय व्यक्ति जैसा उनको प्रकाश किए हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये सब चीज प्रभु ने हमको बताए हैं और हमको पूछते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। पत्रस ने बोले आप मेरे लिए जीवित परमेश्वर का पुत्र हो, मेरे लिए आप यही हो। और जो चारों सुसमाचार लेके ये लोगों का भी ले भी अलग अलग है, यीशु मसीह नाम एक है, लेकिन एक राजा ठहराते हैं, एक सेवक ठहराते हैं, एक सिद्ध व्यक्ति परफेक्ट मैन ठहराते हैं, और यूहन्ना उनको एक स्वर्गीय व्यक्ति हेवेनली पर्सन। प्रिय भाइयों, हमारे लिए क्या है आज का ये दिन, इतना दिन हम मनाते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये जगत को आए हैं, हमारे लिए मेरे लिए क्या है, खुद को पूछना है, जांचना है मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। जानते हैं उस दिन ओल्ड टेस्टामेंट में दानियल का पुस्तक हम देखेंगे, दानियल का पुस्तक थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा 2:47। फिर राजा दानियल से कहा सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, हाँ ईश्वर का ईश्वर, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, और भेदों को खोलने वाला है। इसीलिए तू इस भेद प्रकट कर पाया। हाँ, राजा ने स्वीकार करता है, जो खुद को महान करता था, जो खुद को बोलता था कि तुम सब हमको प्रणाम करो, इसराइल में सब प्रणाम किए, लेकिन 4 आदमी प्रणाम नहीं किए, सद्रक मैशक ओबेदनगो और दानियल, ये 4 आदमी प्रणाम नहीं किए और सब कर दिए। इसराइल लोगों ने किए हैं प्रणाम। प्रिय भाइयों, एक एक प्रभु को नहीं जानने वाला राजा कहता है तुम वही परमेश्वर का तुम दास हो, जो परमेश्वर का परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या कहते हैं, जो प्रभु को नहीं जानने वाला वो अगर बोलते हैं इसीलिए तू वो भेद का प्रकाश तुमको दिया, वो रियल गॉड है, एकमात्र गॉड है, उसका मतलब वही है, ईश्वर का ईश्वर, राजा का राजा, मतलब एकमात्र, ओनली वन। इसलिए हम खुद को पूछना चाहिए हम कैसा जानते हैं यीशु मसीह को। ये जन्मदिन आराम का दिन नहीं है प्रिय भाइयों, जगत शेष खत्म होने वाला है, जो जो घटना घटने वाला बाइबल में प्रकाश हुआ है सब मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है, प्रभु आ जाएंगे अचानक। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है आज हमको सोचना है। हम बच्चा नहीं है, एक दिन हम बच्चा था, जब बच्चा जन्म होता है पहले स्कूल में जब जाता है, LKG में पहले एडमिशन होता है। प्रिय भाइयों, हम क्या अभी वही बच्चा होकर है, याद रखना है प्रिय भाइयों, हम प्राप्त वयस्क होना चाहिए, जैसा शारीरिक रीति से हम दिन प्रतिदिन हम
बढ़ोतरी हो रहा है वैसा ही हमारा जीवन में आत्मिक रीति से भी बढ़ोतरी होना चाहिए। हम परमेश्वर का सियोन है, सियोन लव ऑफ क्रिसमस। और हम लोगों ने देखे कि प्रभु का वही प्रेम को हम पहचान ले जीते जी, और प्रभु को हम आखिरी तक हम उनका साथ रहें। इब्रानी का 3:6 हम पढ़ेंगे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हम आखिरी तक दृढ़ता से स्थिर रहें, यही हमको कहा जाता है। हम परमेश्वर का सियोन है, परमेश्वर हमारा, हम उनका निवास स्थान है, वो हम में वो रहना चाहते हैं। पहले क्रिसमस हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक शिशु अवस्था में आए थे, बच्चा छोटा शिशु होके वो जन्म लिए थे। अभी का क्रिसमस हम लोगों के लिए और उनका द्वितीय आगमन होगा, हम उनके लिए हमारा जीवन बिताएं, यही हमारा क्रिसमस में। और कोई आनंद नहीं है, वही आनंद है प्रभु आएंगे और हमको ले जाएंगे। और ये आखिरी समय है बोल के हम सब जानते हैं, ये पृथ्वी में जो कुछ सब घट रहा है सब कुछ याद रखिएगा, बाइबल में हर चीज प्रकाशित होके रहा है और हम सब जानते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारा पिता परमेश्वर ने जब हम पापी थे, हम निरुपाय थे, कोई उपाय हम लोगों का नहीं था कि हम कैसा उद्धार पाएंगे, वो अपना एकलौता पुत्र को दिया। वचन कहता है कि वो हमारे लिए वो अपना प्राण दिए। जॉन 3:16 हम सब याद रखे हैं, सब याद रखे हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम उसी में, वही हम जब ओपन एयर पीचिंग जाते हैं उस वही वर्ष पहला हम बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया वो अपना एकलौता बेटा को भेज दिया। हम विश्वास करने से उधार पाते हैं, इसीलिए हम आखिरी तक प्रभु में जीवन बिताए, प्रभु वो चाहते हैं। जो पहला क्रिसमस था वो ओवर हो गया है और वो नहीं आएगा, प्रभु शिशु अवस्था में नहीं आएंगे। और पहला क्रिसमस ओवर हो गया है, अभी सेकेंड क्रिसमस आ रहा है, याद रखिएगा प्रिय भाइयों बहनों, अभी सेकेंड क्रिसमस अभी आ रहा है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:3-7, जो पढ़ता है और जो ये भाववाणी को सुनता है, जो पढ़ाई पढ़ता है और जो भाववाणी को सुनता है और उसी में जो लिखा हुआ है वो विषय को जो पालन करता है वो लोगों धन्य है, क्योंकि समय सन्निकट, निकट आ गया समय, प्रभु आ रहे हैं। प्रिय भाइयों यही लिखा है, जो वचन को पढ़ता है, जो भाववाणी को श्रवण करता है, भाववाणी का मतलब भविष्यवाणी को, जो भविष्यवाणी किया गया है वो आएंगे, जो श्रवण कर रहा है और लिखाई हुआ वचन को पालन करता है वो धन्य है, क्योंकि आखिर में लिखा है क्योंकि समय सन्निकट, निकट आ गया है। और साथ में लिखा है, देखो मैं बादलों के साथ आने वाला
वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। ये दोनों उसके बाद देखेंगे 22:7। ये दोनों में लिखे हैं, लिखा गया है कि प्रभु यीशु आ रहे हैं। 22:7 मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है। मानता है प्रभु यीशु मसीह का। अभी हम जो सेकंड क्रिसमस में बोला, प्रभु यीशु मसीह अभी जो आ रहा है, बार बार लिखा जाता है वो शीघ्र आ रहा है। ये चार पद में हम देखे प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है और हमको प्रस्तुत रहना है। हम प्रभु जो वो वचन को श्रवण करता है, पाठ करता है और उसको मानता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम यहां देखते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को लक्ष्य करके आगे बढ़ना है। इब्रानी का 12:1 में देखते हैं, इब्रानी का पुस्तक 12:1 में देखते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ, हमारा लक्ष्य है सियोन। हम वही राज्य का प्रजा है, इसीलिए उसको लक्ष्य करके हमको दौड़ना है। वो उनका महिमा का प्रभा है और तत्व का प्रतिमूर्ति है। ये पुस्तक में सब कुछ है, खाली हमको ग्रहण करना है। हम जो चार्टो वर्ष देखे, वही चार वर्ष में एक ही चीज लिखा जाता है, सन निकट है प्रभु का आने का, ग्रहण कर लो। जो पाठ करता है, वो जो पालन करता है, वो धन्य है। वो धन्य लोगों को धन्य स्थान में जा सकता है। इतना याद रखिएगा प्रिय भाइयों, सब कुछ यहां पर है। मरकुस का 5 में हम देखते हैं, जब गराश्रय को जब प्रभु चेले लोगों के लेके जाते हैं, वहां पर एक दो लोग को प्रभु चंगाई देते हैं। उसको भूत लगा था और वो भूत को निकाल दिए। तो जो वो निकाल दिए, वो प्रभु को बोला, प्रभु उसको वो चाहा कि उन प्रभु का साथ वो भी जाएगा, लेकिन प्रभु ने बोले उसको, जाओ सबको बताओ तुम्हारा लिए क्या हुआ है, तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है, जाओ सबको बताओ। इसीलिए प्रिय भाइयों, अभी प्रभु का आगमन सन्निकट, हम प्रभु का पास जाएंगे। अभी हम जब सुस्त हुए हैं, हमारा जो पाप रूपक जो बीमारी हमसे अगर अलग हो गया है, हम अगर उधार पा चुके हैं, हम दूसरों को बताना चाहिए। अभी का समय यही हमको कहता है प्रिय भाइयों। वो गरसिय का वो भूत लगे भूतग्रस्त लोग को उसको सुस्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह खुद बोले, जाओ सबको बताओ। इसलिए अगर हम प्रभु का अनुग्रह से अगर हम मुक्ति मिला है, हम जानते हैं, हम श्योर हैं कि प्रभु आएंगे और हमको ले जाएंगे। अभी हम दुनिया को बताना चाहिए, और ज्यादा टाइम नहीं है प्रभु का आने का। इसीलिए प्रभु हमको भी बोलते हैं, तुम भी जाओ अगर तुम सुस्त हुए हो। उसको भूत जो उसको लगा था, वो जो भूत चला गया, वो जाके सबको प्रभु का महिमा करने लगा, मैं ऐसा था ऐसा हो गया। इसीलिए पाप का रोग से अगर हम मुक्ति मिला है, हम चारों तरफ घूम के सबको बोलना है कि मैं मुक्ति पाया हूं। गवाही बनना है प्रभु यीशु मसीह का। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का जो खड्ग है ना, दो तरफ धार है। प्रभु का वचन दो
धारी खड़ग स्वरूप है। एक तरफ सुसमाचार है और एक तरफ सर विश्वासी के लिए प्रार्थना है। उसको हम याद करें, प्रेरितों का पत्र 2:42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इसमें ये चार चीज हर विश्वासी का फाउंडेशन है। चार चीज से एक चीज घटेगा और विश्वासी प्रभु का और आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा में, सहभागिता में, रोटी तोड़ना में और प्रार्थना में, ये कर्तव्य है प्रिय भाइयों। सुसमाचार प्रचार और प्रार्थना हर विश्वासी के लिए ये कर्तव्य है। उसको हम स्मरण करना है। अभी का दिन हमको स्मरण करना है प्रिय भाइयों, प्रभु का सेवा के लिए ऐसा लोग प्रभु चाहते हैं। ये आखिरी टाइम है, प्रभु ऐसे टाइप का मनुष्य चाहते हैं उनका सेवा के लिए। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 101:6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, हाँ, कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हाँ, जो चलता है उसी का पर प्रभु का नजर रहेगा। ये प्रभु क्लियर बता रहे हैं। प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह पहला क्रिसमस उनको महिमा मिला है। हम पढ़े हैं ज्योतिषों ने आके उनको महिमा देके गए, उनको राजा ठहराए, याजक ठहराए और भविष्यद्वक्त ठहरा के गए हैं। सोना, लोबान और गंधरस दे के गए थे, जो कि राजा को, याजक को और भविष्यद्वक्त को ठहराता है। वो स्वीकार करके गए। पहला क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह जन्म हुए, शिशु अवस्था में आए और महिमा पाए। लेकिन अभी जो सेकंड क्रिसमस होता है, अभी जो सेकंड कमिंग प्रभु का हो रहा है, अभी वो उनका हाथ में पुरस्कार लेके आ रहे हैं, इनाम। और जो लोग प्रेरितों हैं, प्रेरितों को पहले इनाम दिया जाएगा। प्रिय भाइयों, हम प्रकाशित वाक्य 22:12 देखेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12 कहता है कि उनका हाथ में पुरस्कार है, वो दे जा रहे हैं, वो आएंगे, वो सब जो जैसा कर्म किया है वैसा फल उसको मिलेगा। मतलब नो वर्क नो पे, ये जगत का जैसा नियम है, नो वर्क नो पे। मत्ती से जॉन तक, यूहन्ना तक, मत्ती से यूहन्ना तक गस्पेल, लेकिन प्रेरितों का पुस्तक एक स्पेशल गॉस्पेल है। चार है, मत्ती, मार्क, लुक, जॉन। ये चार तो गॉस्पेल है, लेकिन उसके बाद जो प्रेरितों का पुस्तक है वो स्पेशल गॉस्पेल है। उसका मतलब है कि जो प्रैक्टिकल गॉस्पेल है वो प्रेरितों का काम है, उनके लिए प्रभु आ रहे हैं। प्रिय भाइयों, हम ये जगत में रहते हैं, पहले हम देखें कि स्वर्गीय आनंद हमारे लिए, प्रभु जब आए, दूतों ने स्वर्गीय वचन लेके आए, बोले वो मैं पालकों को बोले, वो चरवाहों को बोले कि ग्रेट जॉय, बड़ा आनंद का विषय लेके आए हूं। पहला हम देखें स्वर्गीय आनंद, जो कि स्वर्ग से दूत लेके चरवाहों के पास आया,
और एक महा आनंद का विषय लेके आया। वो आनंद अगर हमारा दिल में है, हम अगर प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं, वो आनंद हमारा दिल में है, वो स्वर्गीय आनंद हमारा दिल में है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद पाने का बाद वो आनंद को अगर हम प्रभु यीशु मसीह का गौरव के लिए व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुगुणित होते रहेगा, मल्टीप्लाई होते रहेगा। हम पहले देखें, दूसरा भाई में सेकंड में देखें, हम विश्वस्त होके प्रभु को आत्मा प्राण शरीर हम सौंप के प्रभु का उपासना करें। तीसरा में देखें, उनका स्वभाव को अपनाना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाना है, तब जाके हम उनके लिए कन्या स्वरूप बन सकते हैं। वो दूल्हा होके आएंगे, हम कन्या होके उनसे मिल सकते हैं। प्रभु हम अभी का समय जन्मदिन पालन करने का नहीं है, उससे बेहतर है प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग को हम लोगों लिए ज्यादा हम उसके लिए हम सोचना चाहिए। प्रभु ये वचन में हम लोगों को आशीष दे, हम जैसा प्रभु को ये आखिरी समय में अगर प्रभु को हम नहीं पाए हैं, हम सुधर जाए, खुद को प्रभु के लिए संपूर्ण रीति से सौंप दे, जैसे ज्योतिष ने आके प्रभु को सब दे के पंडित का नाम पाए, हम भी प्रभु का नज़र में धन्य होना है, तब जाके हम प्रभु का ये में स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे। ये हम आज का ये बड़ा दिन हमको यही कहता है कि ये प्रभु हमको चाहते हैं, हम उनका हो जाए, पूरी तरह से हो जाए। हमको ये जग में, ये जगत में हमको याजक ठहराया गया। ये प्रिय भाइयों, ये नया नियम में हम याजक है, सब कोई एक एक याजक है। पहला पत्रस 2:9 और प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है हम याजक है। प्रभु यीशु मसीह महान है। सेकंड करंथी 2 Corinthians 12:7 में लिखा है पौलुस को एक कंटक उनका शरीर में दिया गया, वो कांटा चुभाया जा गया था ताकि वो गर्भ ना कर सके। प्रिय भाइयों, पहला आगमन हो गया है, ओल्ड टेस्टामेंट में उसका भविष्यवाणी था, अभी प्रभु का सेकंड आगमन भी होगा। प्रभु बोल के गए हैं, पहला आगमन में आइजाया 7:14, मीका 5:2 और भजन संहिता 22 और ईसा 53 हम देखे थे। और अभी सेकंड आगमन में नया नियम में हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक 1:10-11, यूहन्ना का पुस्तक 14:1-3 और लुका का 17:22-37। ये द्वितीय आगमन का संदेश हम सबों को दिया गया है। इसीलिए प्रिय भाइयों, अभी यही बेहतर है, वही हम प्रस्तुत होके दुल्हन का न्याय प्रभु का इंतजार में रहेंगे। पहला भविष्य वाक्य सफल हुआ है, अभी सेकंड भविष्य वाक्य भी सफल होगा। इसीलिए प्रिय भाइयों, ये वचन हमको यही कहलाता है कि हम अगर प्रभु में हैं और उससे कुछ हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम धन्य हैं। वो बार बार बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, प्रस्तुत रहो, समय सन्निकट। वो हमको गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। प्रिय भाइयों, हम पाने के लिए योग्य हैं। आइए प्रभु का चरणों के नीचे आए और खुद को प्रभु का चरणों के नीचे हम सौंपते हैं और प्रभु को हम आशीष मांगते हैं। प्रभु का इच्छा के अनुसार जितना दिन हम जिंदा हैं, हम जिए तो प्रभु के लिए और मरे तो प्रभु के लिए। हम जिए चाहे मरे, हम प्रभु का है। प्रिय भाइयों, ये वचन में प्रभु का आशीष दें ताकि हम जीते जी प्रभु का वचन को हम समझ ला जाए और उसी का अनुसार हम जीवन बिताए और प्रभु को हर विषय में गौरव देते हुए प्रभु का संतान का न्याय ये जगत में वास करें। प्रभु ये वचन में आशीष दे। जय मसीह।
तेरा हो अभिषेक, अमन के राज आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा, तेरा हो अभिषेक, अमन के राज आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा। प्रभु